जैसे कि हमने बात करी थी कल के वीडियो में कि हम अब सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर की और पहला क्वेश्चन पेपर जो मैंने लिया है वो है बीए इंग्लिश बीए इंग्लिश में आपको बताया था कि सिलेबस होता है पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है पार्ट ए फोर्टी मार्क्स का होता है तो हम वही कर रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर है क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी टू का और ये है सेट ए तो अभी मैंने पाँच क्वेश्चन कल आपको बताए थे डिटेल में फिर भी मैं आपको बता देती हूँ पहला क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच बाय इसका सही आंसर है डी मार्टिन लूथ मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेकेंड का हु रोड द नावल द प्लैग इसका करेक्ट आंसर है बी एलबर्ट कैमस विच ऑफ़ द फॉलोइंग वन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर बट लॉस द इलेक्शन फॉर पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ़ द कंट्रीज़ का आंसर है ए मारियो वर्गस लोसा डी फायर एंड आइस इज़ द नेम ऑफ अ फेमस पोइट बाय पोएम बाय सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट फिफ्थ है फॉर एनी ग्रीगोरी इज़ अ फेमस पोएम बाय इसका आंसर था डी विलियम बटलर यीट्स यहाँ तक हमने कल कर लिया था हम आगे चलते हैं सिक्स क्वेश्चन है नेफटली रिचार्डो रीस बस बेसोल्टो इज द रियल नेम ऑफ विच फेमस पोइट और इसका आंसर ऑप्शंस हैं ए सी पी के वी फी पी बी पैब्लोन जी जॉर्ज सेफेरिस डी गैब्रियल मिस्ट्रॉल आई एम सॉरी फॉर द प्रोनसीशन अगर किसी में गड़बड़ हो रही हो तो बी पैब्लोनिडा इज़ द करेक्ट आंसर सेवेंथ है द प्रपोजल इज़ द नेम ऑफ अ फेमस वन एक्ट प्ले बाय इसके ऑप्शंस हैं बर्टोल्ट ब्रिज जॉर्ज बर्नर्ड शॉ एंटोन चिकॉफ़ और ऑगस्ट ओगस्ट अब इसका करेक्ट जो आंसर है वो है सी एंटोन चिकॉफ दिस वन इन विच लैंग्वेज डिड हरिशंकर शंकर राइट ओरिजिनली ऑप्शंस हैं ए गुजरात टी बी मराठी सी इंग्लिश और डी हिंदी ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आपको मिसप्रिंटेड uh, है मतलब इस पी में नहीं है तो इसका आंसर होगा डी हिंदी ये करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द जे सी बी प्राइज़ फॉर लिटरेचर लास्ट ईयर जिसके ऑप्शन हैं ए डारिबा लिंडेम्स नेम प्लेस एनिमल थिंग बी एच एम होम बॉय ममम ममंग डाइस द ब्लैक हिल किम्फाम सिंह सॉरी नाम नहीं आ रहा फ्यूनरल नाइट्स ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए Dariba lindem's name place animal thing question 10 from which country was the author selma legolf options are a finland b sweden c norway and d denmark b sweden is the correct answer the correct answer hai. question number e the road not taken is a famous poem by options are ellen gisborne बी वॉल्ट विटमैन सी लॉरेंस फेलगेटी डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड द करेक्ट आंसर इज डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है डबलाइनर्स इज अबुक रिटर्न बाय इसके ऑप्शन है सीन ओ कैसी ऑस्कर वाइल्ड जेम्स जॉयस जॉइस कैरॉल ओट्स इसके करेक्ट आंसर है सी जेम्स जॉयस क्वेश्चन नंबर थर्टीन बिसाइड बींग अपोइट ए के रामानुजन वॉज ट्रांसलेटर अ प्रोफेसर अ फोक्लोरिस्ट और ऑल ऑफ द अब इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए अ ट्रांसलेटर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कुबला खान इज़ अ फेमस पोएम बाय ऑप्शन आर लॉर्ड बायरॉन सैम्यूल तेल क्लोरिच होरैक वेलपोल या ली घंट एंड द करेक्ट आंसर इज B Samuel Taylor Cloridge Question number 15 The Bet is a famous short story by options are Guy de Maupassant H M H H Munro Saki Isaac Singer Anton Chekhov Correct answer is D Anton Chekhov Question number 16 Let Me Not to the Marriage of True Minds is a or n ये क्या है आ, ये पोएम ओड है सोनेट है विलेनविल है या गजल है इसका करेक्ट आंसर है बी सोनेट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन हॉक रोस्टिंग इज अ फेमस पोएम बाय ऑप्शंस आर टेड यूगस ए के रामानुजन साइलविया प्लैट गोपाल कृष्ण अदिगा एंड द करेक्ट आंसर इज ए टेड टेड यूग्स क्वेश्चन नंबर एटीन लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स इज़ अ लाइन फ्रॉम अ फेमस पोएम बाय ये एक लाइन है एक फेमस पोएम की वो किसने लिखी है ये बताना है ऑप्शंस आर जॉन डोनी विलियम वॉड्सवर्थ विलियम शेक्सपियर या जॉन कीट्स एंड द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज एटीन का सी विलियम शेक्सपियर हु रोट द फेमस नोवेल हार्ट ऑफ डार्कनेस ऑप्शंस आर चिन्हुआ एच राइडर जॉन फॉलेस जोजफ़ कॉन्राड और द करेक्ट आंसर इज़ नाइनटीन का डी जोजफ़ कॉन्राड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ़ द फॉलोइंगज़ अ वेल नोन इंडियन इंग्लिश वुमेन पोएट ए रजाती सलमा बी कमला दास सी मलिका अमर शेख डी जेरी पिंटो करेक्ट आंसर इज़ कमला दास कमला दास का नाम बिफोर मैरिज कुछ और था तो इस अगर वो नाम भी आता है तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए उसे भी याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैज़ वन अ प्लूटस प्ले प्लेटर प्राइज फॉर फिक्शन और इसकी ऑप्शन हैं सलमान रष्टी अरविंद अधिगा अमिताभ घोष जुम्पा लहरी और इसका करेक्ट आंसर है जुम्पा लहरी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हु रोट द फेमस नोवेल कंथापुरा एंड द ऑप्शन आर मनोहर मुल्क राजा राव या आर के नारायण और द करेक्ट आंसर इज सी राजा राव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की तरफ चलते हैं टू बी और नॉट टू बी इज़ अ फेमस कोट फ्रॉम द प्ले ये कोट है एक प्ले में वो आपको बताना है ऑप्शन है ओथेलो मैगबेट किंग लियर ये हैमलेट इसका आंसर है डी हैमलेट और ये प्लेयर प्ले uh, है विलियम शेक्सपियर का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विलियम शेक्सपियर वॉज़ बॉर्न इन और इसका आंसर है सी फिफ्टीन सिक्सटी फो विच पोइट इज़ नोन एज द प्योनीड ऑफ द गज़ल फॉर्म इन इंग्लिश गज़ल जो है वो उर्दू की है बेसिकली तो उसका फॉर्म जो है इंग्लिश में किसने uh, करा ईजाद या आप कह सकते हैं कि उसको इन्हेंस किया ठीक है उसमें तो ट्वेंटी फिफ्थ का आंसर है बी uh, आगा शाहिद अली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हु रोड द फेमस प्ले चंदलिका ऑप्शन आर महेश दतानी रविंद्रनाथ टैगोर गिरीश करनाद विजय तेंदुलकर बट द करेक्ट आंसर इज बी रविंद्रनाथ टैगोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन डेथ ऑफ अ सेल्समैन द आइकॉनिक अमेरिकन प्ले वाज रिटन बाय ऑप्शन टेनिस विलियम्स Eugene O'Neill, Arthur Miller, John Osborne And the correct answer is C. Arthur Miller Question number 28 The first black woman to win the Nobel Prize in Literature was Maya Angelou, Toni Morrison, Pearl S. Buck, Jamaica Kincaid Kin And the correct answer is B. Toni Morrison Question number twenty-nine. Which of the following is a recipient of the Sahitya Academy Award? And the options are Chronicle of a Corpse, Bearer by Serious Mystery, Dungaji House by Serious Mystery, yet The Radiance of Ashes by Serious Mystery, The Prospect of Miracles by Serious Mystery. And the correct answer is A. Chronicle of a Corpse, Bearer by Serious Mystery. Question number thirteen. The Golden Gate is a novel written by Vikram Chandra, Vikram Seth, Vikram Ho Hoshang Merchant. And the correct answer is B. Vikram Seth. Question number 31. The Sacred Games, the novel was written by Tishani Doshi, Raja Rao, 30, 30 Umrigar, Vikram Chandra. And the answer is D. Vikram Chandra. The Ghat of Only World is a famous tribute written by Amitav Ghosh for. Options are A. K. Ramanujan, Aga Shahid Ali, Arun Kolatkar. Kul and the last option is Dilip Chitre. But answer is B. Aga Shahid Ali. Question number 33. Which of the following is a recipient of the Nobel Prize for Literature? And the correct answer is D. Olga Tokarczuk. whatever it इट question क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर the following is a फॉलोइंग इज अ commonwealth poetry ऑफ option कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज ऑप्शन bhat जेरी पिंटो vijay भट्ट रंजीत होस्कटे विजय नम बिसना एंड द करेक्ट आंसर इसमें थोड़ा डाउट है तो, तो क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो रहा है इसका आंसर निकालना तो आप इसको चेक कर सकते हो मैं उसका करेक्ट आंसर बता नहीं पाऊँगी अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव जोजेफ एंड ए मेमोयर इज़ रिटर्न बाय सुदीप सेन जुडीथ रॉइट सल सलमान रष्टी रॉबर्ट क्रोस क्रोस्ट और द करेक्ट आंसर इज सी सलमान रष्टी थर्टी सिक्स इन विच लैंग्वेज डिड राहुल संक्रिया संक्रतान राइट ओरिजिनली एंड द आंसर इज सी हिंदी क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन हु रिसी द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर ट्वेंटी ट्वेंटी वन पीटर हैंड के नेग नेगुगीवाथ्युंगो इवो एंड्रिक या अब्दुल रजाक गुण्ना एंड द करेक्ट आंसर इज डी अब्दुल रजाक गुणा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्टी एट विच बुक वॉन द जे सी बी प्राइज़ फॉर लिटरेचर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एम मुकुंदास डेली असोलिक्यू बेनियमिन्स जैसमिन डेज

कन देशमोंद देशम करेक्ट आंसर इज ए तमसिलाओ लास्ट क्वेश्चन फोर्टीथ मलगुड़ी इज़ अ फिक्शनल टाउन इन द वर्ल्ड ऑफ अशोक मित्रन यू आर आनंद मूर्ति आर के नारायण या वेकोम मोहम्मद बशीर एंड द करेंट करेक्ट आंसर इज सी आर के नारायण तो ये था पार्ट ए और पार्ट बी के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जो कि आपको कल मिल जाएगी दैट वॉज़ इट फॉर द वीडियो थैंक यू